हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से दोस्तों चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें से आपका टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कराए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि रक्त कोशिकाओं की दीवार बनाने वाली कोशिकाएं, तो यह रक्त कोशिकाओं की दीवार बनाने वाली कोशिकाएं कहलाती है एंडोथेलियम कोशिकाएं। ठीक है, एंडोथेलियम कोशिकाएं। नेक्स्ट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज किसमें होता है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज रक्ताणु यानी कि आरबीसी में होता है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का बनने में कौन सा आवश्यक है? तो कौन सा आवश्यक है दोस्तों? कैल्शियम तत्वों में, खनिज लवणों में कैल्शियम आवश्यक है रक्त में, आपका रक्त का थक्का बनने के लिए थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स आवश्यक है, और प्रोटीन में आपका प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आवश्यक है, और विटामिन में के। ये सभी क्या करते हैं? रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लोटिंग रोकने के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? तो सोडियम ऑक्सोलेट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप स्थापित होते हैं, ब्लड ग्रुप किसके अनुसार दोस्तों? प्रतिजन के अनुसार यानी कि एंटीजन के अनुसार प्रतिस्थापित होते हैं। वो कहाँ होते हैं? आरबीसी में। कहाँ होते हैं? आरबीसी में। ठीक है, यानी लाल रुधिर वाली झिल्ली में। नेक्स्ट दोस्तों, रुधिर केशिकाएं यानी ब्लड सेल्स बनी होती है, किससे बनी होती है दोस्तों? ब्लड सेल्स बनी होती है एंडोथेलियम स्तर से, किससे? एंडोथेलियम कोशिकाओं से। नेक्स्ट है, विकासशील भ्रूण में लाल रुधिराणुओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? भ्रूणावस्था में जो रुधिराणु का निर्माण होता है वह होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में, और वयस्क अवस्था में बोन मैरो में। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय की धमनी डब किससे होती है? तो हृदय में लब डब की ध्वनि आती है दोस्तों जब दोनों वाल्व यानी ट्राइकैस्पिड और बाइकैस्पिड वाल्व एक साथ बंद होता है, तो पहली प्रथम ध्वनि लब सुनाई देता है। एंड यहाँ पे डब पूछा है, तो यहाँ पे एरोटा के मुख्य धमनी एरोटा के आधार पर स्थित अर्धचंद्राकार सेमिलुनर वाल्व का कपाट बंद होते हैं, यानी कि प्रमोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, तो द्वितीय ध्वनि सुनाई देता है, उसे हम कौन सा ध्वनि सुनाई देता है? डब। नेक्स्ट है, हृदय में गति निर्धारक पेस में सेटर कहलाता है, तो गति कौन निर्धारित करता है दोस्तों? सीरा अलिंद नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड या से नोड जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, डायफ्राम को रुधिर कौन सी धमनी पहुंचाती है? तो फ्रेनिक धमनी पहुंचाती है। कौन सी धमनी? फ्रेनिक। नेक्स्ट है दोस्तों, औसत हृदय का हृदय निर्गम होता है, निर्गम यानी कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5.04 लीटर। जैसे कि हमारा कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 होता है, हार्ट रेट 72 होता है, दोनों को आप गुणा करेंगे तो 5.04 आएगा। तो यहाँ पे 5.3 लीटर प्रति मिनट आपका हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना रक्त पंप किया जाता है उसकी मात्रा को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहा जाता है? एक धड़कन में जितना रक्त पंप किया जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हृदय को जाने वाली तंत्रिका का क्या नाम है? तो हृदय की ओर जाने वाली तंत्रिका का नाम वेगस तंत्रिका है, जो 10वीं कपाल तंत्रिका होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, डायस्टोल के समय रुधिर क्या करता है? जैसे कि सिस्टोल के समय यानी जो संकुचन होता है, सिस्टोल होता है, उसके समय रुधिर जो है वह
हृदय से महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर में पहुंचाया जाता है, और डायस्टल होता है तो उसमें क्या होता है, रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। रुधिर कहाँ प्रवेश करता है, हृदय में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है हृदय निर्गम यानी कि कार्डियक आउटपुट होता है रुधिर की वह मात्रा जो, कौन सी मात्रा होती है इसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा प्रति मिनट बाहर निकला रुधिर ये आपका कहलाता है कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट है हिपेरिन कहाँ बनता है, तो हिपेरिन कहाँ बनता है दोस्तों, लीवर सेल्स यानी कि यकृत कोशिकाओं में हिपेरिन का निर्माण होता है। और हिपेरिन करता क्या है, यह हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है यानी तरल अवस्था में बनाए रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों यूरिया की सर्वाधिक मात्रा किसमें ले जाई जाती है, तो किसमें ले जाई जाती है, हिपेटिक शिरा यानी कि हिपेटिक वेन में, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, तो रक्त अपर्याप्त होता है यानी कि रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है लौह तत्व आवश्यक है, लौह तत्व आवश्यक है तो किसके लिए आवश्यक है लौह तत्व, हीमोग्लोबिन तथा आरबीसी के निर्माण के लिए, ठीक है। कौन सा तत्व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है दोस्तों, तो यह आपका करता है सोडियम पोटेशियम। कौन सा तत्व करता है हृदय की धड़कन को, सोडियम पोटेशियम, ए एंड सी दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, तो किसका होता है, जल का, जो कि 70% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोह धातु होती है। नेक्स्ट है मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य दर कितना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल का सामान्य दर होता है 80-120 मिलीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है रक्त में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग कितना होता है, तो 0.007 mm, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया, तो विलियम हार्वे ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है पेस मेकर का संबंध हमारे शरीर के किस भाग से होता है, तो पेस मेकर किस में होता है दोस्तों, हमारे हृदय में, जिसे हमारे हृदय संकुचन का प्रारंभ करता है, एंड इसको एसए नोड भी कहा जाता है, साइनो एट्रियल नोड भी बोला जाता है, अलेंथ सीरानाल। नेक्स्ट है पेस मेकर का क्या कार्य है, तो दोस्तों पेस मेकर यानी एसए नोड का क्या कार्य है, यह क्या करता है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है, दिल की धड़कन को क्या करता है, प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है गति प्रेरक किससे संबंधित होता है, तो गति प्रेरक यानी पेस मेकर किससे संबंधित होता है, हृदय से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसके भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो किसको कहते हैं, धमनी, धमनी के दीवारों पर रक्त द्वारा जो दबाव डाला जाता है उसी के दाब को हम क्या कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। नेक्स्ट है पल्मोनरी वेन्स कितनी फुफ्फुसीय शिरा द्वारा, पल्मोनरी वेन यानी कि कितनी फुफ्फुसी शिरा हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करती है, तो कितनी पल्मोनरी वेन होती है दोस्तों, जैसे कि हमारे वेन यानी कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में जो फेफड़ों से शुद्ध हृदय शुद्ध रक्त को हृदय में लाती है यानी कि बाएं अलिंद में, ए संख्या में 4 होती है, ठीक है। आपको ध्यान ये रखना है कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, बट शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है बट पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जब व्यक्ति सोता है तो उसके रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो सोता है तो उसका रक्तदाब जो है वो घटता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक सामान्य जीवन काल में एक व्यक्ति का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो कितना, 2 अरब बार, एक सामान्य जीवन काल में, पूरे जीवन काल में, 1 मिनट में तो 72 बार धड़कता है बट एक सामान्य जीवन काल में 2 अरब के लगभग धड़कता है। हमारे शरीर की सबसे विशाल धमनी कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी धमनी को हम महाधमनी यानी एरोटाक बोलते हैं, जिसके विभिन्न शाखाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में रक्त सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे
रुधिर का पीएच कितना होता है दोस्तों? 7.34 से 7.45 तक होता है, तो यहाँ पे 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम व्यक्ति के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। और शुद्धिकरण प्रक्रिया कहाँ होता है? किडनी में हमारा रक्त को छाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे अंदर रक्त किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो किसके उपस्थिति के कारण दोस्तों, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमारे रक्त में हिपेरिन होता है जो हमारे रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है, ठीक है, तरल अवस्था में बनाए रखता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्लाज्मा में किसके कारण एंटीबॉडीज का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट, प्लाज्मा लिम्फोसाइट के कारण क्या होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, आरएच फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लेन स्टेनर तथा विनर ने किया था, कार्ल लेन स्टेनर और विनर ने। किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है दोस्तों? तो ए एंड बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है? तो रक्त वर्ग ओ में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो रक्त वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, ए एंड बी दोनों एंटीबॉडीज पाया जाता है, इसलिए यह सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे रक्त में एंटीजन का क्या कार्य है? तो दोस्तों, हमारे रक्त वर्ग का जो निर्धारण होता है वह एंटीजन के आधार पर ही होता है, यह आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो प्रतिजन का क्या कार्य है? यह प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यानी कि एंटीबॉडीज के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए है तथा माता का रक्त वर्ग ओ है, तो उनके संतान में कौन से रक्त वर्ग की संभावना रहती है? तो उनके संतान में रक्त वर्ग ओ होने का संभावना होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों, बेहतरीन तैयारी के लिए डेली बेसिस मेरे चैनल पर बने रहिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।